nose piercing Charizard. Feeling comfortable? Second, we are doing a helix. We can call it helix, and helix ke alawa lower side jata hua helix bhi bol sakte, because later on this piercing will convert into industrial piercings. So humne us hisab se do mappings kiye. So these piercings take very less time to pierce and very less time to heal if they use proper aftercare. So आपको मास्क लगाने का प्रोटोकॉल थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। प्रेमी आ रहे हैं सीधे पर। तो ये अच्छा लगा मेरे को मैम का कि ये हमारे पियर्सिंग का जो प्रोटोकॉल है मास्क लगा के उसको पियर्सिंग करवा रहे हैं प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब आप एक बार थोड़ा सा इस तरफ मुड़ जाओ। सो अब हम करेंगे पहले चरगस कर लेते हैं सेकेंड वाला। गाइस, मैंने इसको जब ये अंदर की तरफ पकड़ के काटा है ना, तो पीछे उंगली रखी है इस तरह से ताकि कट के यहाँ पे किसी जगह पे डैमेज नहीं करे। तो वो आप कस्टमर्स भी ध्यान रखें और जो पियर्सिंग्स करना चाहते हैं मेरी वीडियोस देख के वो भी ध्यान करें कि इससे वो पीछे की स्किन को डैमेज नहीं होगा। ओके, बोथ साइड टेरगस एंड वन इंडस्ट्रियल पियर्सिंग इज डन, नाउ ऑक्टल पियर्सिंग इज डन। Are you feeling comfortable? डन। और एक अच्छी चीज और आपको बताना चाहूंगा कि इन्होंने शायद 3 से 4 साल पहले हमारे से बेली पियर्सिंग्स भी करवाई थी, आप एक बार दिखा सकते हो।
सो आप देख सकते हो स्टिल इन वेरी बेस्ट कंडीशन. नहीं 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 वैसे रोटेट करोगे. स्टिल इन वेरी बेस्ट कंडीशन. कैपिंग सेम वही है जो हमने 4 साल पहले पियर्सिंग्स में किया था. स्टड हमारा वाला वही वाला डला हुआ है एंड क्लीन एंड नीट होने की वजह से आप देखो कि कटी भी नहीं है. सो आप लोगों को सीखना चाहिए कुछ कि कैसे रख रखाव करते हैं.